हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे से हैं। सो फ्रेंड, मेरा ब्लॉग्स स्टार्ट हो गया है, आप लोग ब्लॉग्स में एंड तक बने रहना, और जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और चलिए मैं क्या कर रही हूँ आप सबसे दिखाती हूँ। मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ, देख सकते हैं सुबह का नाश्ता हो चुका है और मेरा फाइनली काम इधर से सब फिनिश है, देख सकते हैं सब साफ सफाई मैं कर चुकी हूँ। और कपड़ा भी धो के मैंने डाल दी, कपड़ा धो के अभी डाली मैंने, और उसके बाद मैं अभी आके नाश्ता करी। फिर सबने नाश्ता कर लिए थे काम पे, वो चले गए थे, बच्चे ने भी कर लिए थे। और बर्तन देखिए, सब सफाई करने के बाद में मैं इस बाल्टी में, ये वाला बाल्टी मतलब टूटा हुआ है, इसमें बर्तन जूठा उठा डाल देती हूँ। और इसमें मैंने यहीं पे मैं बैठे बैठे बर्तन धोती हूँ, यहाँ से धो के और यहाँ पे रख देती हूँ। तो देख सकते हैं बाकी क्या। आज मैं आप सबसे होम टूर कराऊंगी, मैं हमारे मतलब कैसे किधर कपड़े धोते हैं, किधर नल है, किधर कितने किराएदार है, सब मैं दिखाऊंगी आप सबसे। मतलब मिलवाऊंगी नहीं उन लोगों से क्योंकि सब बाहर के लोग हैं, कहाँ पता कोई बोले ना बोले। तो चलिए बेटी बाइगर, ये है मेरी बड़ी वाली बेटी और छोटी बाहर खेल रही है। यहाँ पे बैठ के मैं बर्तन धो रही थी तो धुल गया मेरा बर्तन। और यहाँ कमरे में से मेरे, वैसे ये मेरा तीन बाल्टी है, इसमें जूठा पानी वानी रखती हूँ, ये दो सही बाल्टी है। और यहाँ पे ये कूलर है, ये दूसरे का कमरा है, इधर देख सकते हैं सब किराएदार रहते हैं, सब बहुत सारे कमरे हैं देख सकते हैं। बाकी गई इधर गली में उस दिन दिखाई थी गली, यहाँ पे ये सब है। और ये है ऊपर जाने का, ऊपर भी किराएदार है। बाकी वो जो बर्तन धो रही है वहाँ पे पानी आता है, इधर बच्चे खेलते हैं, इधर कपड़ा डाला जाता है, देख सकते हैं कपड़ा डाला हुआ है। और इसमें है जो कूड़ा रखा जाता है, ये दोनों में पानी रहता है। और यहाँ पे पीने की पानी यहाँ से भर के जाती है। और ये सब बाकी जगह खाली है, यहाँ पे मकान मालिक के गाय रहते हैं, रहती है इसमें, देख सकते हैं ये गाय का है घर। और गाय जो है जो सामने बंधी हुई है, बाकी के यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। ये है बाथरूम, एक ये और एक ये, इसमें सब कोई नहाता है। और ये है नल, यहाँ पे यहीं पे मैं बैठ के कपड़े धोती हूँ। और ये है जो देख सकते हैं कितना बड़ा सा टंकी, बहुत बड़ा टंकी है। और इसके नीचे भी जो टंकी की जगह है तो इसमें भी पानी पानी भरा रहता है, अभी भरा हुआ है, साफ दिख रहा नहीं दिख रहा मुझे मालूम नहीं पड़ रहा इसमें। और बाकी ये जगह खाली है, इतना दूर पानी लगा हुआ है। और इधर जो है तो सब लेटरिन है, चार पांच। बस यही है हमारे कमरे, जो हम जिस मकान में रहते हैं तो यही है। सो फ्रेंड, लंच के खाना बन रहा, मैं चावल देख सकते हैं चावल रख दी हूँ बनने के लिए थोड़े, और मैं और बच्चे हैं, खाली चावल बनाना है, रात के मच्छी है तो इसी से खा लेंगे। और बाकी चलती हूँ मुँह धो के, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोग ब्लॉग्स में बने रहें। और मेरे बेटी छोटी वाली सो गई। सो फाइनली दोस्तों, आप लोगों से एक बात शेयर करनी है कि मेरे मुंह में ना ये दाद निकला हुआ है और मैं मुंह साबुन से नहीं धो पा रही हूँ, क्रीम भी नहीं लगा पा रही हूँ। डॉक्टर मना कर रहा है कि क्रीम और साबुन नहीं लगाना है क्योंकि उसमें केमिकल होता है, तो वो लगाओगी तो और दाद फैल सकता है। पहले यहाँ पे था तो एक वीडियो में आप लोगों से दिखाई दी, तो इधर से सही हो गया है, अब यहाँ पर निकला तो यहाँ से यहाँ तक हो गया है। और इससे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ही बुरा फील होता है इससे। तो यही है मेरी ज़िंदगी। और आप लोगों से जो होम टूर कराई थी तो आप लोग आई होप सब देखे होंगे, और
मैं किराए में रह रही हूँ, मेरा घर हल्द्वानी है और वहाँ से मैं दिल्ली में रह रही हूँ, तो दिल्ली में ये किराए में रह रही हूँ। तो ये भाड़े का कमरा है, आप सबको पता है, जिसको नहीं पता है वो जान जाए। और अच्छे VIP कमरा इसलिए नहीं लिए हैं कि रेंट बहुत ज़्यादा है। रेंट 5,000-6,000 बेकार में देने से क्या फ़ायदा, वो जो है वो बच्चों के एजुकेशन में लगाओ, बच्चों के ऊपर खर्चा करो तो सही है, थोड़ा माँ बाप दिक्कत उठा ले, बच्चे ना दिक्कत उठाए तो वो सबसे अच्छी बात होती है। तो मैंने बस इसी में गुजारा कर रहे हैं। और रेंट के कमरे को क्या करना है, अच्छे लेने से क्या अपना थोड़ी ना हो जाता है, वो बेकार में बेफालतू को 2-3 हज़ार रुपया खर्चा ज़्यादा जाता है, तो उसके चक्कर में बहुत लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो हम भी इसी कमरे में रहते हैं और बच्चों के एजुकेशन के लिए बस मैं भर्ती करना चाह रही थी, बच्चों को पढ़ाना चाह रही थी उर्दू से लाइन से। तो उसमें गई मैंने उस दिन जामा मस्जिद, जो गई थी जामा मस्जिद वाला जो वीडियो है, तो उस दिन गई मैंने वहाँ पे पता करी। तो अभी वहाँ पे एडमिशन ईद बाद बता रहे हैं, जो ईद बाद एडमिशन होगा। तो यहीं पे जब तक ट्यूशन फ़िलहाल मैं लगाई हूँ, अभी बच्चों को वहाँ पे हल्द्वानी में थी तो पढ़ रहे थे, उस टाइम में केरला चली गई थी थोड़ा, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत बच्चे पढ़े, तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई बहुत नुकसान जा रही है। तो अभी बच्चों के एडमिशन चौथे उसमें होगा, अप्रैल में होगा, चौथे महीने में, तो अप्रैल में अभी एडमिशन होगा, जब तक अभी ट्यूशन पढ़ रहे हैं। और बाकी के जल्द से जल्द कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों के एडमिशन हो जाए। बस यही है हमारी ज़िंदगी। अब दिल्ली में 6-7 साल कम से कम मुझे रहना पड़ेगा कि मेरे बच्चे, अब कहीं नहीं जाऊँगी, अपने बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रही हूँ घूम के। तो बच्चे के फ्यूचर बिल्कुल नहीं ख़राब करना है, जो भी जितना हो गया हो गया, और बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, अच्छे एजुकेशन देना है। और बाकी बस आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं अपने बच्चों को हर ख्वाहिश पूरा करूँगी। मुझे लगता है ना कि बच्चे मेरे से जो चीज़ कहें कि मुझे मम्मी ये चाहिए, मुझे मतलब जो जायज़ हो, जो अच्छा हो बच्चों को लिए, वो मैं तुरंत पूरा करूँ। मुझे बहुत ही शौक़ रहता है कि जो चीज़ में तकलीफ़ें उठा रही हो, जो मतलब कभी इंसान जो हम चाहते हैं कि अपने लिए कर ले तो अपने लिए हटाओ, अपने लिए तो भूल ही गए, बच्चे के लिए बस, बच्चे जो हमारे कह रहे हैं, जो हम दिक्कतें उठा रहे हैं वो बच्चे ना उठाएं, और बच्चे को अच्छे एजुकेशन मिले, बच्चे ऐसे आराम से ज़िंदगी काटे, बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो बस आप लोगों के सपोर्ट चाहिए। अब मैं चाह रही हूँ कि अपने दम पर कुछ अपने बच्चों के लिए करूँ, तो उसके लिए आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, मगर मैं हिम्मत नहीं हारूँगी, जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं देंगे, जब तक वीडियो डालती रहूँगी।